हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और आपको बाहर जाने के लिए ई पास की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आप ई पास घर बैठे फ्री में कैसे बना सकते हैं। मेरा नाम है पारस मंडल और आप देख रहे हैं आई टीचर। ई पास बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला मोबाइल नंबर, दूसरा आपके आधार कार्ड का डिटेल्स और तीसरा आपके गाड़ी का नंबर। उसके बाद किसी भी ब्राउज़र को खोल लीजिए और सर्च कीजिए ई पास झारखंड। आपको इस तरह का वेबसाइट मिल जाएगा epassjharkhand.nic.in। इस पर क्लिक कीजिए और इसमें आपको तीन स्टेप्स पूरा करना है। सबसे पहले आपको यूज़र रजिस्टर में क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। सबसे पहले आप मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर को कन्फर्म करने के लिए फिर से डालेंगे। नीचे में आप पासवर्ड डालेंगे जो कि अल्फ़ाबेट, जो कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स और स्पेशल करेक्टर्स को मिला करके 8 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। उसको फिर से डालना है कन्फर्म पासवर्ड में, उसके बाद सबमिट कर देना है। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आप अपना नंबर डाल करके और वही पासवर्ड डाल करके और ये कैप्चा डाल करके लॉगिन कीजिए। दूसरे स्टेप में आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम और अपना एड्रेस जो कि आपको आधार कार्ड में मिल जाएगा। ये सभी डालने के बाद आप सेव कीजिए। दोनों स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड स्टेप में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिए और आईडी टाइप में आईडी अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे में अपना आधार नंबर डाल करके सेव कर दीजिए। आपका तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है। अब फोर्थ स्टेप में आपको अपना ई पास जनरेट करना है। उसके लिए ई पास, अप्लाई फॉर ई पास में क्लिक करें, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए और टाइप ऑफ ई पास में अगर आप स्टेट के बाहर जाना चाहते हैं तो गोइंग आउटसाइड में क्लिक कीजिए। स्टेट के अंदर में रहना चाहते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाना चाहते हैं तो आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट बट विद इन स्टेट में क्लिक कीजिए, और अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही रहना चाहते हैं तो विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ही सिलेक्ट कीजिए, और अगर आप बाहर से झारखंड आना चाहते हैं तो कमिंग इन साइड झारखंड में क्लिक कीजिए और सेव कर दें। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है। ई पास कैटेगरी में अपना ई पास का कैटेगरी डालना है, आप किस लिए लेना चाहते हैं। सुटेबल रीज़न सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग रीज़न सिलेक्ट कर लें। अगर आप शॉपकीपर हैं फ्रूट्स का या फिर कंस्ट्रक्शन का, या फिर आप बैंक के अधिकारी हैं या फिर मीडिया वाले हैं, सिलेक्ट कर लें। उसके बाद टाइप ऑफ जर्नी, विजिट एंड रिटर्न, जाना आना, रिक्वेस्ट शेड्यूल ऑन, जब भी आप बना रहे हो तब का डेट दे सकते हैं जिस दिन से आपको चाहिए, रिक्वेस्ट शेड्यूल अप टू, जब तक के लिए आपको ये पास चाहिए उस दिन का डेट डाल दीजिए। उसके बाद टाइम, आपको कितना बजे से कितना बजे तक के अंदर में चाहिए वो डाल दें। उसके बाद टाइप ऑफ व्हीकल, आपके पास टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है वो सिलेक्ट कर लें। नंबर ऑफ पैसेंजर, उसके बाद आपको गाड़ी का नंबर डालना है। डिक्लेरेशन में आपको कोरोना गाइडलाइंस को एग्री करना है, फिर एग्री एंड प्रोसीड में क्लिक कर देना है। चारों स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपना ई पास डाउनलोड कर सकते हैं। ई पास, डाउनलोड ई पास, उसके बाद एक्शन के नीचे वीप में क्लिक करके ये रहा आपका ई पास। नीचे में प्रिंट बटन दाब करके एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।